किस उपाय से मेरा कल्याण। तदनंतर उस घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा, उसे लेकर मुनि कुमारों के बताए हुए मार्ग में उस आश्रम पर गया। वहां पहुंचकर मैंने दुबले अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, दोनों का जिसका दूसरा कोई सहायक नहीं था, उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान थी। वो अपने पुत्रों की चर्चा कर रहे थे, उनके आने की आशा लगाए बैठे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं हो रहा था, यद्यपि मेरे कारण उनकी आशा धूल में मिल चुकी। उसी क्षण उसी के आश्रय बैठे थे, अब ये दोनों सर्वथा अनाथ से हो गए। मेरा हृदय पहले से भी शोक के कारण घबराया हुआ, भय से मेरा होश ठिकाने नहीं था। मुनि के आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक हो गया। मेरे पैरों की आहट सुनकर वो मुनि इस प्रकार बोले, बेटा देर क्यों लगा रहे हो, शीघ्र पानी ले आओ। तात, जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की, उसी कारण को लेकर तुम्हारी ये माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई, अतः शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। बेटा तात, यदि तुम्हारे माता ने अथवा मैंने कोई अभी अप्रिय किया हो, उसे तुम्हें अपने मन में नहीं लगाना, क्योंकि तुम तपस्वी हो, हम असहाय हैं, तुम्हें हमारे सहायक हो। इस अंधे और हमारे नेत्र दो लोगों के प्राण तुम्हें से अटके हुए हैं, बताओ तुम बोलते क्यों नहीं। मुनियों को देखते ही मेरे मन में भयसा समा गया, मेरी जबान लड़खड़ाने लगी, कितने अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार अस्पष्ट वाणी में मैंने बोलने का प्रयास किया, मानसिक भय को बाहरी चेष्टाओं को दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की। मुनि पर पुत्र की मृत्यु से जो संकट आ पड़ा, वह उन पर प्रकट करते हुए कहा, महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्मवश ऐसा दुख पाया जिसके सत्पुरुषों ने सदा निंदा की है। भगवान, मैं धनुष लेकर सरयू के तट पर आया। मेरे आने का उद्देश्य ये था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आए, मैं उसे मारूं। थोड़ी देर बाद मुझे जंगल से घड़ा भरने का शब्द सुनाई दिया, मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए उस पर बाण चला दिया। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा तो मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा और मृत पाया होकर धरती पर पड़ा है। उस बाण से उन्हीं बड़ी पीड़ा हो रही थी, और उस समय उन्हीं ने कहने से मैंने सहसा वह बाण उनके मर्म स्थान से निकाल दिया। बाण निकलने के साथ ही वो तत्काल स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे पिता माता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया। इस प्रकार अनजाने में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया। ऐसा अवस्था में मेरे प्रतीत हो जो शाप अनुग्रह श्रेष्ठ हो, उस देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हो। मैंने अपने मुख से अपना पाप प्रकट किया, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई उत्तम बात सुनकर भी वह पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दंड भस्म हो जाने का साप नहीं दे सके। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली, शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा। उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, राजन, यदि आपका पाप कर्म तुम स्वर्ग या आकर न बताते यदि आप अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहाँ आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषता किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले, वो वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। तपस्या में लगे हुए जैसे ब्रह्मवादी मुनिवर जानबूझकर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के सात टुकड़े हो जाते हैं। तुमने अनजाने में पाप किया, इसलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशों का कुल ही नष्ट हो जाता। अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या। उन्होंने मुझसे ये कहा, नरेश्वर, तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम उनको देखना चाहते, ये हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख से पड़े हुए
उन दंपत्ति को स्थान पर ले गए। उनका पुत्र काल के अधीन होकर पृथ्वी पर अचेत पड़ा। उनके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे, वृक्ष चर्म वस्त्र बिखरे पड़े थे। मैंने पत्नी सहित मुनि को उन्हीं पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया। दोनों तपस्वी उस पुत्र का स्पर्श करके उसके अत्यंत निकट जाकर उस शरीर पर गिर पड़े। और फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करते हुए उससे कहा, बेटा आज तुम मुझे न तो प्रणाम करते हो न मुझसे बोलते हो, तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम मुझसे रूठ गए? बेटा यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूँ, तुम अपनी इस धर्मात्मा माता की ओर देखो, तुम इससे हृदय से क्यों नहीं लगा जाते हो? बस कुछ तो बोलो। अब पिछली रात में मधुर स्वर से शास्त्र या पुराण आदि अन्य किसी ग्रंथ का विशेष रूप से स्वाध्याय करते हुए किसी के मुख से मनोरथ शास्त्र चर्चा सुनूंगा। अब कौन स्नान संध्या उपासना अग्निहोत्र करके मेरे पास बिठा कर पुत्र शोक के भय से पीड़ित हुए मुझ बूढ़े को सांत्वना देता हुए मेरी सेवा करेगा? अब कौन ऐसा है जो कंद मूल फल लाकर मुझ अकर्मण्य अन्न संग्रह से रहित अनाथ को के प्रति प्रिय अतिथि की भांति भोजन कराएगा? बेटा तुम्हारी यह तपस्विनी माता अंधी बूढ़ी दीन पुत्र के लिए उत्कंठित रहने वाली है, स्वयं अंधा होकर इसका भरण पोषण कैसे करूँगा? पुत्र ठहरो, आज यमराज के घर न जाओ, कल मेरे और अपने माता के साथ चलना। हम दोनों शोक से आर्त अनाथ और दीन है। तुम्हारे ये न रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह लेंगे। तदनंतर सूर्यपुत्र यमराज का दर्शन करके मैं उनसे ये बात कहूँगा, धर्मराज मेरे अपराध की क्षमा करे पर मेरे पुत्र को छोड़ दे जिसमें अपने माता पिता का भरण पोषण कर सके। ये धर्मात्मा है, माँ यशस्वी लोकपाल है, मुझ जैसे अनाथ को ये बार बार अभय दान दे सकते। बेटा तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्मी क्षत्रियो ने तुम्हारा वध किया, अतः इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उन लोकों में जाओ जो अस्त्र योद्धा सूरवीरों का प्राप्त होते। बेटा युद्ध में पीठ न दिखलाओ, सूर्य और सन्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते उसी उत्तम गति को तुम भी जाओ। वत्स राजा सगर सैभ्य दिलीप जन्मजय नहुंस धुंधुमार जिस गति को प्राप्त हुए वही तुम्हें भी मिले। स्वाध्याय और तपस्या समस्त प्राणियों के आश्रयभूत जिस परब्रह्म की प्राप्ति होती वह तुम्हें भी प्राप्त हो। वत्स भूमिदान अग्निहोत्र एक पत्नी व्रति 1000 गौओं को दान करने वाले गुरु की सेवा करने वाले तथा महाप्रस्थान आदि के द्वारा देह त्याग करने वाले पुरुषों को भी गति मिलती वही तुम्हें भी प्राप्त हो। हम जैसे तपस्वियों के स्कूल में पैदा हुए कोई पुरुष बुरी गति को नहीं प्राप्त हो सकता। बुरी गति तो उसी की होगी जिसने मेरे बांधव रूप तुम्हें अकारण मारा। इस प्रकार वो दीन भाव से बारंबार विलाप करके तत्पश्चात अपनी पत्नी के साथ पुत्र को जलांजलि देने के कार्य में प्रवृत्त हुई। इस समय वो धर्मज्ञ मुनिकुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इंद्र के साथ स्वर्ग जाने लगा। इंद्र सहित उन तपस्वी ने अपने दोनों बूढ़े पिता और माता को एक मुहूर्त तक आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की। फिर वो अपने पिता से बोला, मैं आप दोनों की सेवा में महान स्थानों को प्राप्त हुआ हूँ, अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइएगा। ये कहकर वो जितेंद्र मुनिकुमार उस सुंदर आकार वाले दिव्य विमान से शीघ्र ही देवलोकों को चला गया। तदनंतर पत्नी सहित उस महातेजस्वी तपस्वी मुनि ने तुरंत पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़ खड़े हो गए और मुझसे कहा, राजन तुम आज ही मुझे भी मार डालो, अब मरने में मुझे कष्ट नहीं होगा। मेरी एक ही बेटा था जिसने तुमने अपने बाण का निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है उसके कारण मैं तुम्हें भी अत्यंत भयंकर और भलीभांति दुख देने वाला शाप दूंगा। राजन इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही काल के गाल में जाओगे। नरेश्वर क्षत्रिय होकर अनजाने में तुम्हें वैश्य जाति की मुनि का वह वध किया, इसलिए शीघ्र ही तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, तथापि जल्दी तुम्हें भी ऐसा ही भयंकर
और भयानक प्राण लेने वाली अवस्था प्राप्त होगी। ठीक उसी तरह जैसे दक्षिणा देने वाले दाता को उसके अनुरूप फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मुझे श्राप देकर वो बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करते रहे। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने शरीर को जलती हुई चिता में डालकर स्वर्ग चले गए। देवी, इस प्रकार बाल स्वभाव के कारण मैंने पहले शब्दवेदी बाण मारकर फिर उस मुनि के शरीर के बाणों को खींचकर जो वध रूपी पाप किया, आज इस पुत्र योग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो आया। देवी, अपथ्य वस्तुओं के साथ अन्न रस ग्रहण कर लेने पर जैसे शरीर में रोग पैदा होता है, उसी प्रकार उस पाप कर्म का फल उपस्थित हुआ। अतः कल्याणी, उन उदार महात्मा का शाप रूपी वचन इस समय मेरे पास फल देने के लिए आ गया है। ऐसा कहकर भूपाल मृत्यु के भय से ग्रस्त अपने पत्नी से रोते हुए बोले, कौसल्य, अब मैं पुत्र शोक के अपने प्राणों का त्याग करूंगा। इस समय मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ, तुम मेरा स्पर्श करो। जो मनुष्य यमलोक में जाने वाले मरणासन्न होते, वो अपने बांधवों जनों को नहीं देख पाते। यदि श्री राम आकर एक बार मेरा स्पर्श करे अथवा धन वैभव युवराज पद पर स्वीकार कर ले, तो मेरा विश्वास है कि मैं जी सकता हूँ। देवी, मैंने श्री राम के साथ जो बर्ताव किया वो मेरे योग्य नहीं था, परंतु श्री राम ने मेरे साथ जो व्यवहार किया वो सर्वथा उन्हीं के योग्य था। कौन बुद्धिमान पुरुष इस भूतल पर अपने दुराचारी पुत्र का भी त्याग कर सकता है? एक मैं हूँ जिसने अपने धर्मात्मा पुत्र का त्याग कर दिया, तथा कौन सा ऐसा पुत्र है जिसने घर में निकाल दिया और पिता को कोसते तक नहीं, परंतु श्री राम चुपचाप चले गए, उन्होंने मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। कौशल्य, अब मेरी आंखें तुम्हें देख नहीं पा रही, स्मरण शक्ति लुप्त तो हो गई। उधर देखो, यमराज के दूत मुझे यहाँ से ले जाने के लिए उतावले हो रहे, उनसे बढ़कर दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है। मैं प्राणांत के समय सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ राम का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। जिनकी समता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है, उन प्रिय पुत्र श्री राम के न देखने का शोक मेरे प्राणों को उसी तरह सुखाए डाल रहा है जैसे धूप थोड़े से जल को शीघ्र ही सुखा देता है। जो मनुष्य नहीं देवता है, जो अपने 15वें वर्ष पर वन में लौटने पर श्री राम का सुंदर मनोहर कुंडल से अलंकृत मुख देखेंगे, जो कमल के समान नेत्र सुंदर भव्य स्वच्छ दांत मनोहर नासिका के सुशोभित श्री राम के चंद्रोपम मुख का दर्शन करेंगे, वह धन्य हैं। जो मेरे श्री राम के शरतचंद्र सदृश मनोहर और प्रफुल्ल कमल के समान सुवासित मुख का दर्शन करेंगे वह धन्य हैं। जैसे मूढ़ता आदि अवस्थाओं को त्याग कर अपने उच्च मार्ग में श्री शुक्र का दर्शन करके लोग सुखी होते, उसी प्रकार वनवास की अवधि पूरी होकर के अयोध्या में लौट कर आए हुए श्री राम को जो देखेंगे वही सुखी होंगे। कौशल्य, मेरे चित्त पर मोह छा रहा है, हृदय विदीर्ण हो रहा है, इंद्रियों से संयोग होने पर भी मुझे शब्द स्पर्श रस और विषयों का अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक की अरुणा प्रभा विलीन हो जाती, उसी प्रकार चेतना को नष्ट होने के मेरी सारी इंद्रियां नष्ट हो गई। जिस प्रकार नदी का वेग अपने ही किनारे को काटा गिरता है, उसी प्रकार मेरा अपना ही उत्पन्न किया हुआ शोक मुझे वेगपूर्वक अनाथ के और अचेत कर रहा है। महाभाव रघुनंदन, हाँ, मेरे कष्टों को दूर करने वाले श्री राम, पिता के प्रिय पुत्र, मेरे नाथ, मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए? कौशल्य, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तुम तपस्विनी सुमित्रे, अब इस लोक में जा रहा हूँ, मेरा शत्रु क्रूर तुलांगर कैकेयी, तेरी कुटिल इच्छा पूरी हुई। इस प्रकार श्री राम, माता कौशल्या और सुमित्रा के निकट शोकपूर्ण विलाप करते हुए राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया। अपने प्रिय पुत्र के वचनों से शोकाकुल हुए राजा दशरथ इस प्रकार दीनतापूर्वक वचन कहते हुए आधी रात बीतने के बाद अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए, और उसी समय उस उदारदर्शी नरेश ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड चतुर्थ सर्ग संपूर्णं सियावर रामचंद्र भगवान की।